अरे यार क्या करूं, सुबह सुबह मम्मी ने मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। अरे ऐसा क्या हो गया? अरे यार कल रात को मैं पबजी खेल रहा था, जय हो पबजी, 4 बजे तो आग लगी, वापस 6 बजे मम्मी ने मुझे जगा दिया और कह रही है चलो बेटा स्कूल जाओ। अरे यार अगर एक दिन मैं स्कूल नहीं गया तो क्या हो जाएगा? अरे भाई तुम गलत कर रहे थे कि रात में बैठकर पबजी खेल रहे थे। तू क्या कर रहा था ऐसा? मैं रात और बैठकर पढ़ाई कर रहा था, फिर भी मेरी मम्मी ने मुझे स्कूल भेज दिया। मुझे किसी के बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाने दिया यार, बताओ यार तुम लोग की प्रॉब्लम ही क्या है यार? यार तुम लोग तो बुक्स के बीच में फोन रख के उस पे गेम्स खेल सकते हो, चैटिंग कर सकते हो। अरे यार पता है मेरे साथ क्या होता है? अरे यार ये जो मेरे उज्जवल भैया है ना, हाँ अरे यार ये तो एकदम सीआईडी है सीआईडी। ओ भाई अगर मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा रेस्ट ले लूं तो पता नहीं कहां से इन्हें पता चल जाता है और ना जाने कहां से मेरे पीछे आके मुझे पकड़ लेते हैं और फिर तो मेरी शामत ही आ जाती है यार। तुम लोग का तो मुझसे बहुत ठीक है यार, मेरी दीदी तो बहुत ही अच्छी है। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरी दीदी ना ही खुद पढ़ती है ना ही मुझे पढ़ने को कहती है। अरे छोड़ो यार, मेरे तो मेरे दादाजी ने दिमाग खराब कर दिया है। अगर दोस्तों के साथ घूमने चला जाऊं तो कहते हैं किसके साथ गए थे और कहां गए थे, पार्क वार्क में नहीं ना गए थे, और घर में रह जाऊं तो कहेंगे बेटा कुछ पढ़ लो, पिछले बार कितना परसेंट आया था, फ्यूचर व्यूचर में कुछ करना उड़ना है कि नहीं, कि सही सही जिंदगी काट देना है। अरे भाई सब तो ठीक है, कल तो अपना पीटीएम है ना? अरे हाँ भाई, मत याद दिला, 6 में से 4 में तो लटक चुके हैं, कल पता नहीं क्या होगा। अरे यार चिंता मत कर, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन आउट इज आवर फ्यूचर। अरे भाई किसका पीरियड है? अरे भाई ये तो मिस शिष्टाचार। अरे उनका पीरियड है क्या? हाँ भाई, अभी आएंगी कहेंगी ऐसे बैठो और ऐसे पढ़ो, देखो आज कैसे बैठाती हैं। मैंने आप सबकी बातें सुनी, आप सबको अपने माता पिता और गुरुजनों से बहुत सी शिकायतें हैं, लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि वे जो कुछ भी कहते हैं वह आप सबकी भलाई के लिए है? मैं समझ गई आप सबको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही। नहीं मैम बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। हाँ मैं समझ गई, चलिए आपको एक कहानी सुना रही हूँ। एक बार चाहिए मंत्री जी, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे गुरु जी महाराज रहते हैं, चलिए चलकर उनके भी दर्शन कर ले। जैसी आपकी इच्छा महाराज। प्रणाम गुरुजी महाराज। अरे ये महाराज को क्या हो गया है,
करके इन्होंने भिक्षु के चरणों में अपना सिर रख दिया। अब इतनी प्रजा के सामने मैं इन्हें कहूं भी तो क्या कहूं। चलो बाद में पूछता हूं। गुरु जी महाराज, आपको कोई कष्ट तो नहीं? आपको किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं? मुझे किस चीज की आवश्यकता? मैं तो दुनिया को, अगर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे तुरंत संदेश भिजवा दीजिएगा, मैं आपके श्री चरणों में हाजिर हो जाऊंगा। आपकी विनम्रता ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आने वाली पीढ़ियां उसे याद रखेंगी, इसका अनुकरण करेंगी। अच्छा गुरु जी महाराज, मुझे आज्ञा दें। महाराज बोलिए। मंत्री जी, बुरा ना माने तो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। पूछिए। आप भारतवर्ष के इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, फिर भी आपने भिक्षुक के चरणों में अपना सिर रख दिया। मुझे यह बात कुछ समझ नहीं आई महाराज, ऐसा आपने क्यों किया? मंत्री जी, अभी तो बहुत रात्रि हो गई है, मेरे विश्राम का भी समय हो रहा है। आप भी जाकर विश्राम करें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा। जैसी आपकी इच्छा महाराज। महाराज बोलिए। मंत्री जी, महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला। मंत्री जी, ये थैला पड़ा हुआ है यहाँ पर, इसमें कुछ सामान है, आप इसे जाकर बाजार में बेच दें, और ध्यान रखिएगा इन सामानों का आपको उचित मूल्य हासिल हो, और संध्या तक यह थैले खाली हो जाने चाहिए, यह मेरा आदेश है। ऐसी आपकी इच्छा महाराज। अब यह सब भी करना पड़ेगा, कहा मैं मंत्री और यह सामान बेचने का काम मिल गया, पर करना तो पड़ेगा ही, महाराज का आदेश है। जरा देखूं तो ऐसा क्या है थैले, वजन से तो कुछ अच्छी चीज ही लग रही है। अरे ये क्या, सिंह का कटा हुआ सिर, वानर का कटा हुआ सिर, इसी की कमी थी। अरे हिरन का कटा हुआ सिर, क्या दे दिया महाराज ने। अरे बाप रे, अरे तो मनुष्य का कटा हुआ सिर, ये कैसे बिकेगा? लेकिन करना तो पड़ेगा ही, महाराज ने कहा है, बाजार लेके चलता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अपनी पगड़ी उठा देता हूँ, वरना सामान में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी कि मैं मंत्री होकर के ये सामान बेच रहा हूँ। दादा क्या खरीदना चाहती है? अरे दादा अभी हम लटक लटक के चल रहे हैं, खरीद लेंगे तो हम चौकड़ी मार मार के चलने लगेंगे। पैसा
दीवार पे सजाएंगे तो समाज में आपका नाम होगा। अरे शिकारी वाले काका दे ही दो फिर। अरे आप देखने में तो काफी सुंदर लग रही हैं। अगर आप उसे अपने पास रखेंगी तो आपकी सुंदरता और निखरेगी। आपको तो ये अपने पास जरूर रखना चाहिए। अब इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी का सिर है मेरे पास। अरे दिखाओ किसका सिर है। अरे मनुष्य का सिर। अरे भागो। अरे 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 दादा अरे आप भाग क्यों रहे। अरे नहीं नहीं तो अपने पास ही रखो। अरे अपने पास ही रखो इसे। अरे अरे दादा अरे अरे अब मैं क्या करूं। सारे सिर तो बिक गए बस एक मनुष्य का सिर ना बिका। वापस राजमहल चलता हूँ। कहीं महाराज उससे मेरा मंत्री पद ना ले ले। महाराज महाराज क्या हुआ मंत्री जी परेशान दिख रहे हैं आप। क्षमा चाहता हूँ महाराज मैंने सारे सिर तो बेच दिए बस एक मनुष्य का सिर ना बिका। मैंने बहुत कोशिश की मैंने इसे मुफ्त में भी देने की कोशिश की लेकिन किसी ने इसे नहीं लिया। महाराज मुझे तो लगता है ये बिल्कुल बेकार चीज है इसका कोई मोल नहीं है। मंत्री जी तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर तो मिल ही गया होगा कि मैंने अपना सिर अपने गुरुजी महाराज के चरणों में क्यों झुकाया। कुछ कुछ महाराज देखिए मंत्री जी यह जो मनुष्य का सिर है यह सिर्फ अभिमान का प्रतीक है। चाहे यह किसी आम मनुष्य का सिर हो या किसी सम्राट का बड़ा पद पाकर अक्सर मनुष्य अभिमानी हो जाता है और अपने गुरुजनों का सम्मान भी नहीं करता। पर हमें अपने गुरुजनों का सम्मान करते रहना चाहिए। समझ गए आप महाराज। आपको ये कहानी कैसी लगी। इससे आपने क्या सीखा। संसार में जीने के लिए संस्कार जरूरी है। संसार में जीने के लिए संस्कार जरूरी है। संस्कार के लिए बड़ों का सम्मान जरूरी है।